guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. पुलिस पे भरोसा है? बिल्कुल है जी, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार। गोरखपुर हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं सर? उसके बारे में तो मुझे पता ना। देश की पुलिस पे क्या भरोसा है आपको? बिल्कुल है जी, देश की पुलिस पे बहुत भरोसा है, पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई तीन वाहन पे जाता है उन्हें पकड़ते हैं, अच्छी बात है। और बहुत पहले से क्राइम भी बहुत कम हो चुका है। कभी आप थाने गए हो, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है थाने में, पुलिस स्टेशन में? थाने वैसा एक दो बार मेरे फ्रेंड गए, उनके साथ मैं गया हूँ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पहले तो लठ मारते थे। आपका नाम? मेरा नाम शादाब है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा है शादाब? जी पुलिस पे भरोसा है पूरा, उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है। देश की पुलिस पे भरोसा है? जी बिल्कुल, देश की पुलिस पे भरोसा है। जो पुलिस स्टेशन है, जो थाने हैं, क्या वो सिर्फ घूसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है कि घूसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है, ऐसा किसी से नहीं। एक आम इंसान के साथ थाने में कैसा व्यवहार किया जाता है? आम इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, व्यवहार तो सबके साथ एक जैसा ही करती है पुलिस। कितनी बार थाने जाना हुआ आपका? मेरा तो जी एक बार भी थाने जाना नहीं हुआ है। जी क्या नाम है आप? मनीष। मनीष जी, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा है? भरोसा तो है, कानून के बिना यूपी चल जाएगी, आप बताओ। क्या देश की पुलिस पे भरोसा है? जब यूपी की पे है भरोसा तो देश की पे भी है। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। क्या थाने जो है वो क्या घूसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है? दोनों है, कुछ पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, कुछ नहीं लेते। अच्छा, एक आम इंसान के साथ पुलिस कैसे व्यवहार करती है? क्राइम के ऊपर बात है, अगर जैसा क्राइम करेगा वैसा पुलिस उसके साथ व्यवहार करती है। एक आम इंसान के साथ थाने में कैसा व्यवहार किया जाता है? थाने में अब तो फिलहाल तो ठीक चल रहा है। देश की पुलिस पे भरोसा है आपको? हाँ भरोसा है। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं? भैया इस बारे में हमें पूरा पता नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। थाने जो है वो सिर्फ घूसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है ना, सभी लोग ऐसे होते हैं। मतलब मानते हैं कि पुलिस में घूस मतलब रिश्वतखोर भी हैं? हैं कुछ परसेंट लोग हैं, सभी एक से नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा करते हैं? 50%। 50% नहीं है। क्यों? देश की पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश की हर पुलिस वाला तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन आजकल इतना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन हो गया है कि उसकी वजह से चाहे कोई भी हो पैसे के नीचे दबा दिया जाता है। अच्छा, जो पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, क्या वो घूसखोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं? 100%, क्योंकि कोई भी केस हो, छोटे से छोटा केस में भी कोई आदमी अगर पकड़ा जाए और वो बेकसूर भी हो तो उसको बिना पैसे लिए पुलिस वाले छोड़ते नहीं हैं। इसी वजह से हमारे देश में एक जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले कैदियों का साथ दे रहे हैं, इसी वजह से जुर्म बढ़ेंगे तो ऐसा तो होना ही है। कभी पुलिस स्टेशन जाना हुआ है? अगर पुलिस स्टेशन जाना हुआ है, कभी किसी पुलिस वाले से बात करना हुआ है तो कैसा व्यवहार करते हैं पुलिस वाले? समझते हैं हम पावर में हैं, सत्ता है तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारी दादागिरी लोगों पे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई एक तरीके का जुल्म सहने वाला नहीं होता। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं सर? उसका मेरे को अभी ज़्यादा इतना पता नहीं है, इसलिए मैं कहना उचित नहीं समझूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम तनुज गंभीर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार आपको कैसा लगता है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार अभी तक तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आजकल घटनाएं घटती चली जा रही हैं, तो हम चाहेंगे थोड़ी सी पुलिस में और सख्ताई आनी चाहिए, पुलिस की गश्त ज़्यादा होनी चाहिए, बाज़ारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को आगे निकल कर आना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा करते हैं आप? नहीं बिल्कुल भरोसा करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे सुधार हुए हैं, लेकिन हाँ कई कई घटनाएं ऐसी हो जाती है जो दिल को झंझोड़ के रख देती है, हम चाहते हैं उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, अच्छे से अच्छे पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लोगों के ऊपर क्रिमिनल के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्या देश की पुलिस पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल देश की पुलिस पर भरोसा करते हैं, तभी आज हम लोग जीवित हैं और हमारी सुरक्षा का गारंटी पुलिस हमको देती है। क्या जो थाने हैं क्या वो सिर्फ घूसखोरी का अड्डा बनता जा रहा है?
देखिए कई कई थाने ऐसे हैं जहां घूसखोरी अच्छे तरीके से आज भी चल रही है। कई थाने ऐसे हैं जहां पर घूसखोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, प्रशासन के ऊपर होता है, जो जिले के एसएसपी होते हैं उनके हाथ में रहता है कि वहां पर अगर वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं तो घूसखोरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो घूसखोरी बिल्कुल बनेगी। कभी आपका थाना जाना हुआ है तो पुलिस वालों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा है? ये थाने में जाते हैं, कोई कोई मुद्दे ऐसे होते हैं कि इस पर सुनवाई नहीं हो पाती, किसी किसी मुद्दों पे सुनवाई हो भी जाती है, हम फॉर श्योर नहीं जा सकते कि हमारे मुद्दे पे सुनवाई होगी या नहीं होगी। मतलब मानते हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो इतना सटीक नहीं है? बिल्कुल, थोड़ा और सटीक की आवश्यकता है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी हत्याकांड गोरखपुर में हुआ है ये घटना बहुत शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमारे गाजियाबाद पुलिस से हम यही गुहार लगाते हैं कि वो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। देश की पुलिस पे भरोसा करते हैं? देश की पुलिस पे भी करते हैं हम तो। गोरखपुर हत्याकांड पे क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुर हत्याकांड एक, ये तो एक वारदात होती रहती है, हो गई वारदात। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा करते हो? बिल्कुल करते हैं। देश की पुलिस पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, क्यों नहीं करते। एक आम नागरिक के नाते कभी अगर आपका किसी भी थाने में जाना हुआ हो तो कैसा व्यवहार करती है पुलिस? जैसा करना चाहिए उनको। कैसा, वही जानना था? सामने वाला बंदे का कोई कसूर नहीं है तो उससे उसी लहजे में बात करती है वो प्यार से। अगर सामने वाला बंदा क्रिमिनल है या कुछ कांड किया हुआ है तो उससे उसी के तरीके से व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को पुलिस वाले जो है परेशान करते हैं। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर तो मैं कुछ कहना चाहूँगा ही नहीं भाई। देश की पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं? सर देखिए, देश की पुलिस के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो किसानों के ऊपर मुद्दा चल रहा है, यदि किसानों की बात यदि भाजपा सरकार सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Kom. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shirdasani. Namaskar, main hu Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singh. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, main Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.